बिलीव मी, ये बहुत ईजली कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते। अगर आपने अगस्त में इसकी स्पेशल केयर नहीं की, जो मैं बताने जा रही हूँ, तो ये फ्लावरिंग ना के बराबर करता है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग करता है तो नीचे से ये सूखने लगता है। हाय, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, इसका नाम है गुलदावरी, गुलदावरी या क्रिसैंथेमम, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, एक साथ फूल आते हैं, इतना सुंदर लगता है, इतनी सारी वैरायटीज़ में आता है, इतने सारे कलर्स आते हैं, अलग अलग साइजेस में आता है, इसमें हल्की सी खुशबू भी होती है। और मेन चीज़ ये है कि ये खूबसूरती के साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसके फूलों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती है। एक दो प्लांट भी है ना इसके अगर आपके गार्डन में, तो आपके गार्डन में चार चांद लग जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्लांट आपके घर में है तो इसकी केयर कैसे करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लांट तो है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे, कलियां बन भी रही हैं तो फूल खिल नहीं रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा प्लांट घना नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के तो इतने फूल आते हैं और कुछ लोगों के यहाँ दो तीन फूल आते हैं बस। एक प्रॉब्लम ये भी है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसमें जब फूल आते हैं तो प्लांट पूरा झुलस जाता है, मुरझा जाता है, ख़राब हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसकी हार्ड प्रूनिंग कब करनी है, प्रूनिंग कब करनी है, इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार कब करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कब देना है, कितनी धूप में रखना है, गर्मी में कैसे केयर करनी है, बरसात में कैसे केयर करनी है, और मेन चीज़ थ्रू आउट द ईयर इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी क्लिप्स मैंने इकट्ठा की है सालों से। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी गुलदाउदी के मास्टर बन जाएंगे, फिर आप भी लोगों को गाइड कर पाएंगे कि इसकी कैसे केयर करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले इसका बेसिक नेचर जानते हैं। पहली चीज तो ये एक हार्डी प्लांट है, बहुत ज्यादा हार्डी नहीं है, एलोवेरा जैसा नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत प्लांट है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं भी कर सकते हो, तो भी ये प्लांट आपके घर में अच्छे से रहेगा। हो सकता है फ्लावरिंग उतनी ना करे, लेकिन ये प्लांट सर्वाइव करेगा, ये एक हार्डी प्लांट है। दूसरी चीज़, ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब ये मौसमी प्लांट नहीं है। जो हमें नर्सरी में सर्दियों में जो पौधे मिलते हैं ना, जैसे पिटूनिया मिलता है, वर्बीना मिलता है, डायनथिस, डॉगफ्ला, डहेलिया, ये सारे प्लांट जो है ना मौसमी होते हैं, तो चार महीने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा गुलदाउदी है ना, वो एक परमानेंट प्लांट है, आपके घर सालों साल रहेगा, 10-10, 20-20 साल आपके घर में रहता है। मतलब आप एक बार इन्वेस्ट करिए, आपके घर में लंबा चलेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी केयर तो पूरे साल करोगे, ये पूरे साल हरा भरा रहेगा, लेकिन जो फ्लावरिंग है ना, वो ये करता है पतझड़ में, ठंड के शुरुआत से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। सेम यही पैटर्न फॉलो करता है हर श्रृंगार। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें बरसात में भी फूल आ जाएं और गर्मियों में भी फूल आ जाएं, तो ऐसे होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, मेरे पास ये जो वैरायटी है ये अप्रैल में खिला था, क्योंकि इसकी अच्छे से केयर की गई थी। केयर तो बाकी गुलदाउदी की भी की थी, लेकिन इसमें ही फूल आए थे। पॉइंट नंबर टू, आप इसको अपने घर में कैसे ला सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला मैं बताती हूँ, कटिंग से। इसकी आप कहीं से भी कटिंग ले आइए, नीचे की पत्तियां हटा दीजिए, एटलीस्ट एक नोट तो मिट्टी में जानी चाहिए। बिलीव मी, ये बहुत इजीली कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। कटिंग ग्रो होने में 1.5-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन कटिंग से ग्रो हो जाता है। दूसरा तरीका, गुलदाउदी की एक खासियत है कि ये नीचे से जड़ों से नए नए पौधे निकालता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये कट किया, सेम आप भी ऐसा कर सकते हो, जड़ के साथ साथ इसको उखाड़ लिया, इसको मैंने सबको अलग अलग किया और मिट्टी में गाड़ दिया। ये सबसे आसान तरीका है। 15-20 दिन में आपको इसमें नई नई ग्रोथ दिख जाएगी। जब ये अच्छे से बढ़ जाए तो आप इसको पॉट में लगा सकते हो। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है जड़ से लगाने का या कटिंग से लगाने का, या अगर आप बीज से उगाना चाहते हो, इसको बीज से भी उगाते हैं, नर्सरी में हो सकता है बीज मिल जाए, बीज भंडार में, या आपको ऑनलाइन बहुत आराम से बीज मिल जाएंगे।
तो ये जो तीनों तरीके हैं ये आपको कब करने हैं, ये आपको करने हैं बसंत ऋतु में, फरवरी में लगाना है। अगर आप इसको नर्सरी से खरीद के लाना चाहते हो तो ये आपको मिलेगा पतझड़ में, यानी कि ऑटम सीजन में, अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर तक आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा। वैसे जनवरी फरवरी तक भी आपको नर्सरी में ये मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, इसकी ईयरली साइकिल कैसे चलती है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, सपोज करिए हम इसको लेके आए अक्टूबर में, इसमें बहुत सारी कलियाँ थी, इसमें बहुत सारे फूल आए। अगर इसी टाइम पे आपने हल्का हल्का इसको कट कर दिया, इसके फूल छाट दिए, तो हो सकता है कि इसमें दोबारा फ्लावरिंग हो सकती है फरवरी के आसपास, हो सकता है कि इसमें फ्लावरिंग ना भी हो। इसके बाद आता है फरवरी, यानी कि बसंत ऋतु। इस टाइम पे आपको इस प्लांट की करनी है हार्ड प्रूनिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते, मैं गुलदाउदी की ही बात कर रही हूँ, फ्लावरिंग नहीं करते हैं, प्लांट ना जंगली सा बन जाता है। तो इसके लिए हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जैसे नॉर्मली प्लांट्स की केयर की जाती है, मैं वैसे ही केयर करती हूँ। लेकिन जैसे ही गर्मी बहुत तेज़ होती है, मई जून में जब एसी ऑन हो जाते हैं, कूलर चलने लगते हैं, उस टाइम मैं इसको भीषण गर्मी से हटा के शेड में रखती हूँ। जहाँ पर मेरे गुलाब रहते हैं वहाँ पर मैं गुलदाउदी को भी रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर धूप नहीं आती है, एक घंटे की धूप आती है, लेकिन ये शेड में रहता है, तेज़ धूप नहीं लगती। जैसे ही बरसात आती है अगस्त, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, अगस्त का महीना गुलदाउदी के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। अगस्त में हम इसको तैयार करते हैं फ्लावरिंग के लिए। अगर आपने अगस्त में इसकी स्पेशल केयर नहीं की जो मैं बताने जा रही हूँ, तो ये फ्लावरिंग ना के बराबर करता है। आपको अगस्त में क्या करना है, अगर आपको करनी है तो इसकी शिफ्टिंग कर दीजिए, मतलब पॉट चेंज कर दीजिए, रीपॉटिंग कर दीजिए। रीपॉटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इसको निकालना है, इसकी थोड़ी सी रूट्स चेक करनी है, इसमें मिट्टी चेंज करनी है, इसमें खाद मिलानी है, और उसके बाद इसकी हल्की हल्की पिंचिंग करनी स्टार्ट करनी। एक्चुअली जो इसकी ग्रोथ शुरू होती है वो अगस्त से लेके अक्टूबर तक होती है। जैसे ही अक्टूबर आता है इसमें कलियां फूटने लगती हैं और फिर ये फ्लावरिंग करने लगता है। तो देखा आपने इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। पॉइंट नंबर 4, इसकी मिट्टी कैसे बनाई जाए। इसकी जो मिट्टी है ना वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बहुत से कारण हैं। एक बार ये प्लांट जब बढ़ना शुरू होता है ना, इसके गमले में जगह ही नहीं बचती है खुरपी लगाने की, तो हमको बिल्कुल भी स्कोप नहीं मिलेगा इसमें बाद में चीज़ें ऐड करें। दूसरी चीज़, ये जो प्लांट है ना ये थोड़ा सा फंगस प्रोन है, इसमें ना कीड़े फंगस स्पेशली मिट्टी में जड़ों में बहुत तेज़ी से लगते हैं। आप ऊपर से तो बहुत कुछ कर रहे हो, कटिंग करते जा रहे हो, बहुत चीज़ें करते जा रहे हो, लेकिन अगर इसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, मिट्टी इसमें टाइट हो रही है, मिट्टी में अगर पानी रुक रहा है, इसमें फंगस बन रही है, तो ये प्लांट बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि ये जब प्लांट अपने पीक पे आता है, जब इसमें बहुत सारे फूल एक साथ आते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फूल झड़ जा रहे हैं, उसका रीज़न यही है। तो हमें इसकी मिट्टी रिच बनानी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, बहुत वेल ड्रेन्ड हो, बिल्कुल बैलेंस्ड हो। वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पर मिट्टी मिल रही है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जैसी भी मिट्टी है, आप साफ़ कर लो, अच्छे से धूप ऊप दिखा लो। जितनी मिट्टी आपने ली है उसका आधा हमें कॉम्पोस्ट लेना है। जितना कॉम्पोस्ट आपने लिया है उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग एक तिहाई आपको सैंड लेनी है, रेत, बालू जिसको कहते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट ले रही हूँ। जितना हमने कॉम्पोस्ट लिया था ना उसका करीब एक चौथाई। परमानेंट प्लांट्स है ना, जो पेरेनियल प्लांट्स है, मतलब वो सर्दी तो देखेंगे ही, वो गर्मी भी देखेंगे, तो गर्मी में कितनी गर्मी पड़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मिट्टी सूख जाए, इसलिए हम थोड़ी सी कोकोपीट डालते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फंगीसाइड, आप मान के चलिए कि ये करीब 10 ग्राम होगी, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास रोज ब्लूम नहीं है तो आप बोन मील डाल सकते हो, बोन मील भी नहीं है तो आप रहने दो, कुछ मत डालो। और मैं थोड़ी सी नीम की खल डाल रही हूँ, ये मान के चलिए कि मैंने 200 ग्राम डाली होगी टोटल। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हमने इतनी चीज़ें डाली मगर अच्छे से मिक्स नहीं किया तो फिर बेकार है।
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, और वो है पॉट। पहली चीज तो ये है कि जब आप इसको नर्सरी से लेके आओगे और अगर ये पॉट में है, चाहे कितना भी बड़ा पॉट हो, आपको शिफ्ट करने की जरूरत है ही नहीं। आप इसको कब शिफ्ट करोगे? आप उसको मॉनसून में शिफ्ट करोगे। दूसरी चीज, अगर ये प्लास्टिक के पॉली बैग में है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए जितनी इसकी मिट्टी है उससे थोड़ा सा बड़ा पॉट ही होना चाहिए। अब पॉट कौन सा होना चाहिए, आप किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हो। देखिए, मिट्टी का पॉट बेस्ट होता है, आपको नहीं मिल रहा है आप किसी में भी लगाइए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सेरेमिक में मत लगाओ। सेरेमिक में ना आउटडोर प्लांट्स बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। बेस्ट मिट्टी है, बाकी आपकी मर्जी। पॉइंट नंबर 6, इसको कितनी धूप चाहिए और इसको किस लोकेशन में रखना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर मैंने बताया कि इसकी साइकिल अलग अलग चलती है, बट मेन मुद्दा ये है कि ये एक सन लविंग प्लांट है। जहां भी मैक्सिमम धूप आती है आप वहां पर इसको रखना। जब गर्मी तेज होती है तो मैं इसको शेड में रख देती हूँ। आप इसको उस टाइम पे नेट के नीचे रखते हैं या फिर ऐसी जगह पे रखें जहां पर कम धूप आती हो। बरसात के मौसम में मैं एक दो बार तो इसको बारिश का पानी दिखाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसको शेड में ही रख देती हूँ। बहुत ज्यादा पानी में भीगने से फंगस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वैसे तो इसको आपको पूरी तरीके से खुले मैक्सिमम सनलाइट में रखना है, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम बारिश से बचाना है। और अगर आपके घर में एटलीस्ट 4 घंटे की धूप आती है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन 1 या 2 घंटे की धूप आती है तो ये प्लांट तो रहेगा मगर ये फ्लावरिंग बहुत कम करेगा। बहुत कम चांसेस है कि ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा। नाउ पॉइंट नंबर 7, ये है वाटरिंग। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। जनरली हम पानी कैसे देते हैं? जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तब हम प्लांट पे पानी देते हैं, राइट? लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वैसे तो हमें इसको ऐसे ही पानी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे, लेकिन जब ये प्लांट अपने फ्लावरिंग के पीक पे होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने जब ये भर भर के फूल देता है, उस टाइम इसकी मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखती है। तो ठंड होने के बावजूद मुझे इसको जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। उसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब कोई भी प्लांट बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा होता है, आप कभी नोटिस करो, आपने एक जैसे पॉट में, एक जैसे मिट्टी में आपने 4-5 प्लांट्स लगाए हैं जिसमें से किसी एक की मिट्टी बहुत तेज़ी से सूख रही है, उसका कारण ये है कि जब प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो वो मिट्टी से न्यूट्रिशन और वाटर खींचता है। तो पहला रीज़न तो ये है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए इसलिए इसकी मिट्टी सूख रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि हमने इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी और वेल ड्रेन बनाई है जिस वजह से इसकी मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है। तो जब भी मुझे इसकी मिट्टी सूखी दिखती है मैं उसमें तुरंत पानी दे देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर वाटरिंग करो। ओवर वाटरिंग नहीं करना है वरना प्लांट ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको सेफर साइड बता दिया है कि सर्दियों में ये पानी ज़्यादा खींचेगा। पॉइंट नंबर 8 है फ्लावरिंग, जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, पूरे साल हम इसका इंतज़ार करते। तो मैं आपको बता दूँ कि फूल ना खिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा, जब आप इसको नर्सरी से लेके आए थे तो इसमें फूल थे, राइट? अब अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो गलती प्लांट की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी है। पहली चीज़ यह है कि अगर आपने सही टाइम पे इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी तो ये प्लांट की जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, वो ना तो मजबूत होंगी और ना ही वो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपने अगस्त में इसकी मिट्टी चेंज नहीं की है, इसमें अच्छे से खाद नहीं दी है और इसमें पिंच नहीं की है तो फ्लावरिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपने इस प्लांट को अच्छी धूप में नहीं रखा है, देखिए वैसे तो ठीक है थ्रू आउट द ईयर चलेगा, लेकिन सितंबर से आपको इसको बहुत अच्छी धूप में रखना है। एक चीज़ और है, जब ये फ्लावरिंग की स्टेज पे आने वाला होता है, जब इसमें आपको कलियाँ दिख जाएँ तो आपको भर भर के फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। कुछ लोग कंजूस ही करते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे फर्टिलाइज़र देना। एक चीज़ और है, हो सकता है इसमें कीड़े लग गए हों जो इसका न्यूट्रिशन खींच रहे। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अगर आप इससे मैक्सिमम फ्लावरिंग लेना चाहते हो। पॉइंट नंबर 9, प्रूनिंग, जिसको हम पिंचिंग या हम कटाई छटाई भी कह सकते हैं। जब ये प्लांट फ्लावरिंग करता है, जब तक कलियाँ आती ठीक है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग करता है तो नीचे से ये सूखने लगता है। इसकी जो स्टेम है, जो ब्रांचेज हैं, बिल्कुल सूखने लगती हैं, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। और इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कभी किसी नर्सरी में जाके पूछे वो भी यही बोलेंगे, ये तो होता ही है। और ये सच है।
जब प्लांट तेजी से फ्लावरिंग करता है ना, तो सारी एनर्जी उसी में लगा देता है। इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, आप ये कर सकते हो जो फूल खिले हैं उनको तुरंत काट दो आप, तो प्लांट आपका सुरक्षित रहेगा और कुछ दिनों में फिर से फ्लावरिंग शुरू कर सकता है। इसी मौसम में आपको दो बार फ्लावरिंग मिल जाएगी। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि जो फूल खिले हैं उनको खिले रहने दो। मैं अच्छे से खिलने देती हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। खिले हुए फूल बहुत अच्छे लगते हैं। पूरे साल मैं इंतज़ार करती हूँ कि इनके फूल खिलेंगे, और बिलीव मी, फूल खिलने के बाद कम से कम 10-15 दिन तक तो खिले ही रहते हैं। जब ये अच्छे से खिल जाएगा, ऑब्वियसली है कि नीचे की पत्तियाँ सूखने लगेंगी। जब ये सूखने लगते हैं फूल भी, तब मैं कटिंग करती हूँ, ऊपर से भी पिंचिंग करती हूँ, पत्तियाँ भी साफ़ करती हूँ। उस समय इमिडिएटली हार्ड प्रूनिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मौसम ठंडा होता है। ओके कटिंग कर देती हूँ और इसको साइड में रख देती हूँ। जब फरवरी आएगा तब हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे और उसके बाद प्लांट फिर से शुरुआत कर देगा अपनी ग्रोथ। आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन है, आपको जो बेटर लगता है आप कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपकी चॉइस है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चाहे एक बार कटिंग की हो चाहे दो बार कटिंग की हो, फरवरी में हार्ड प्रूनिंग बहुत जरूरी है और मॉनसून के बाद से आपको बैक टू बैक इसमें पिंचिंग करनी है। देखिए होता क्या है, सपोज ये आपका पॉट है, इसमें सिर्फ दो स्टेम है, दो ग्रोथ हो रही है प्लांट की। अगर इसमें आपने कटिंग नहीं की तो ऊपर जाके दो फूल आएंगे बस। आपने अगर इसमें कटिंग कर दी, सपोज आपने यहाँ पे कटिंग की, तो जहाँ पे आप कटिंग करोगे वहाँ पर दो नई ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। आपने दोनों की कटिंग की, अब इसमें चार हो गए, टिप चार हो गई तो चार फूल आएंगे। आपने वो चारों पे भी कटिंग कर दी तो 8 हो गया, 8 से 16। मतलब होता क्या है कि आप एक छोटे से प्लांट को, 2-3 ग्रोथ वाले प्लांट को बहुत घना बना सकते हो। ये बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए ब्रांच, उसके बाद ही कट करना। नाउ पॉइंट नंबर 10 है पेस्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े। मैंने फंगस के बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्लांट में इतने सालों से मैं ग्रो कर रही हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इसमें एफिड्स यानी कि ब्लैक वाले कीड़े ना लगे हों। हमेशा लगते हैं जब कलियाँ दिखती हैं, कलियाँ जैसे ही आएंगी ये अपने आप आ जाते हैं, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ फिर ये चले जाते हैं, फिर पूरे सीजन मुझे नहीं दिखते हैं। लेकिन कलियाँ जब आती तब आते हैं और ये कलियों से न्यूट्रिशन खींचते हैं। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है उस पे मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो है। आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं कैसे ट्रीटमेंट करती हूँ। सबसे पहले मैं स्प्रे से, साफ पानी से इसको बहुत अच्छे से धोती हूँ। दूसरा स्टेप होता है कि मैं नीम ऑयल में थोड़ा सा लहसुन का पानी मिलाती हूँ। मतलब लहसुन की कुछ कलियाँ ली, उनको पीस लीजिए या कूट लीजिए जैसे भी, 1 कप पानी में थोड़ा सा उबालिए। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसको छान लीजिए। छानने के बाद 1 स्पून नीम ऑयल लिया, जो नीम ऑयल मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिलीव मी बहुत अच्छा नीम ऑयल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उसमें थोड़ा सा ये लहसुन का पानी मिलाया, नॉर्मल पानी मिलाया, मिक्स किया और आपको इस पर स्प्रे करना है। अगर आप वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल लेते हो तो आपको इसमें हैंड वॉश या विम वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल नहीं है तो आपको थोड़ा सा हैंड वॉश या डिश वॉशर, थोड़ा सा 1-2 बूंद ऐड करना होगा, अच्छे से मिक्स करना है और फिर प्लांट पे बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। पहले दिन जब आप ये ट्रीटमेंट करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि कीड़े काफी कम हो गए, 60% तक कम हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट आपको 2-3 दिन करना है और ये कीड़े आराम से चले जाएंगे। देखिए कोई भी ट्रीटमेंट करना है एटलीस्ट 2-3 दिन तो करना ही पड़ेगा। नाउ एक और प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, वो है फंगस की। इसकी मिट्टी में फंगस लग जाते हैं और हम इसकी बहुत ज्यादा प्रूनिंग भी करते हैं। हम मानसून के बाद से इसमें कटिंग पे कटिंग करते चले जाते हैं तो फंगस लगने का भी डर है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, महीने में एक बार करीब 2 लीटर पानी में 10 ग्राम फंगिसाइड डाली, अच्छे से मिक्स की, प्लांट पे बहुत अच्छे से स्प्रे किया और जो पानी बचा है वो मिट्टी में दे दिया। ये काम महीने में एक बार करना है, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 11, फर्टिलाइजर्स। इसमें खाद कैसे देनी है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस प्लांट के लिए। ये एक हैवी फीडर प्लांट है। सबसे पहली चीज़ तो हमने इसमें मिट्टी में बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट ऐड की थी, थोड़ी सी नीम खल ऐड की। मैंने रोज़ ब्लूम भी डाला था, अगर हम उसको नहीं भी इंक्लूड करते हैं तो हमने मिट्टी में अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है
जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। गर्मी के मौसम में मैं इसमें महीने में एक बार कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ जो कि हैवी एनपीके वाला होता है। काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट टी, किचन कंपोस्ट टी, ये सब मैं गर्मी भर इसको देती हूँ। अगस्त जैसे ही शुरू होता है, जब हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं, इसकी पिंचिंग शुरू करते हैं, तो जो महीने में मैं इसको फर्टिलाइजर एक दे रही थी वो तो देती ही हूँ, साथ में महीने में एक बार मैं सी वीट लिक्विड फर्टिलाइजर भी मिट्टी में देती हूँ। सपोज मैंने अगस्त में दिया था वर्मी कंपोस्टिंग, तो अगले महीने मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ और दे दूँ, तो मैं दे देती हूँ किचन कंपोस्टिंग। किचन कंपोस्टिंग नहीं है तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का लिक्विड दे दीजिए, है ना। लेकिन जो सी वीट देती हूँ मैं हर महीने, मैं ये ध्यान रखती हूँ कि किसी भी दो फर्टिलाइजर्स के बीच में एटलीस्ट 10 दिन का गैप हो। आपको ये नहीं करना है कि आज आपने गाय के गोबर की लिक्विड खाद दी और 5 दिन बाद आप इसमें सी वीट दे रहे, नहीं, बिल्कुल पेशेंस के साथ सब्र रखें, धीरे धीरे देना है। जैसे ही आपको इसमें कलियां दिखनी शुरू हो जाएं, तो जो हम महीने में एक बार एनपीके वाला फर्टिलाइजर दे रहे थे, काउडंग था, वर्मी कंपोस्ट था, वो सब तो मैं 20 दिन में एक बार देती हूँ, उसमें मैं काउडंग कंपोस्ट टी हटा देती हूँ। सर्दियों में मैं काउडंग कंपोस्ट टी नहीं देती हूँ, सर्दियों में मैं दूसरी खाद देती हूँ, जैसे मैं मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, ग्राउंड यानी कि मूंगफली की खल की लिक्विड खाद देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट टी भी दे सकती हूँ, किचन कंपोस्ट टी भी दे सकती हूँ। तो ये मैं अब देती हूँ 20 दिन में एक बार, और जैसे महीने में एक बार सीवीड दे रहे थे वो तो देना है। साथ में एक चीज और करती हूँ मैं, हर 20 दिन में इसके ऊपर सीवीड का स्प्रे करती हूँ। पर ये बात बिल्कुल सच है कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए जिससे प्लांट खराब हो सकते हैं, लेकिन बिलीव मी इस प्लांट को ज़रूरत है इतने फर्टिलाइजर की। आप देखो ना इसमें कितने सारे फूल होते हैं, कितनी सारी कलियां होती हैं, और मेन चीज ये है कि सपोज एक गुलाब का पौधा है, इतने बड़े गमले में एक पौधा है ना, महीने में एक बार आप इसको दे रहे हो, लेकिन गुलदाउदी उसी जगह देखे ना, उसमें एक पौधा नहीं है, उसमें नीचे से भी कितने सारे पौधे निकलते हैं और कितनी सारी कलियां निकलती हैं। फर्टिलाइजर्स में अगर आपने कमी कर दी तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, आप अगर उसको फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी गुलदाउदी में भर भर के फूल ना आए। अब एक छोटी सी चीज, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। हम प्लांट्स तो लेके आ जाते हैं, हमने वीडियो देखा, हमने किसी के घर में देखा, हमें शौक लगा, हम लेके तो आ गए, लेकिन जब हम इसकी केयर नहीं कर पाते हैं तो प्लांट खराब हो जाता है। मुझे बहुत दुख होता है, ये सब जीव जंतु हैं, इनमें लाइफ है, अगर आप इनकी केयर नहीं कर सकते हो आप मत लाओ, जितनी केयर कर सकते हो उतने ही लाओ। जब आप इसको नर्सरी से अपने घर लेके आते हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी है, ये पानी के लिए, खाद के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे तो ऐसा फील होता है ये हमें देख रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, खाद मांग रहे हैं, आप इनको दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते मत लाइए, नर्सरी में रहेगा वो पानी भी डाल देंगे, खाद भी डाल देंगे, लेकिन घर में ला के आप इनको इस तरीके से तड़पाइए नहीं। अब एक स्पेशल थैंक्स टू सारे लोगों को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट वीडियो टमाटर पे है, बीज से लेके एक एक स्टेप, एक एक प्रॉब्लम, कभी काले पड़ जाते हैं, कभी फट जाते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं, कहाँ कब कैसे कितनी धूप कितनी खाद, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी जर्नी मेरे टमाटर के पौधे की आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिससे आप भी फरवरी में अपने घर में टमाटर उगा सकते हो। नाउ वो वीडियो हो सकता है काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो आप मुझे बस ये बताइए कि मैं Part 1 या Part 2 में निकालूँ, या पूरा वीडियो भले ही वो 30-35 मिनट का हो पूरा एक साथ निकाल दूँ। So this is all for today. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye-bye.